इस कहानी का शीर्षक है जहां चाह वहां रहा। सुबह 6 बजे का अलार्म बजते ही चारों लड़के तुरंत उठ गए, फिर नहा धोकर स्कूल की ड्रेस पहन ली और नाश्ता कर लिया। स्कूल जाने की खुशी में उन्होंने अपने अपने बस्ते तो रात को ही तैयार करके रख दिए थे। फिर वे बार बार घड़ी की ओर देखने लगे, तभी उन्हें लेने के लिए ऑटो वाला आ पहुंचा। दिव्या उन्हें गेट तक छोड़ने आई। वे चारों हंसते हुए ऑटो में बैठ गए। उन्हें खुशी खुशी स्कूल जाते देखकर दिव्या को असीम प्रसन्नता हो रही थी, क्योंकि आज सफल हुआ है उसका परिश्रम और मनचाही मुराद। उसको वे दिन याद आने लगे जब पीलिया होने के कारण उसे गन्ने का ताजा रस पीने के लिए प्रतिदिन हेमंत जूस वाले की दुकान पर जाना पड़ता था। सुबह दुकान खुलते ही गर्मी से परेशान हो रहे लोग गन्ने का रस पीने के लिए आने लगते थे। जूस वाले हेमंत ने 10-12 साल के चार लड़के नौकर रखे हुए थे। वे लड़के सफाई, बर्तन साफ करने, कुर्सी मेज रखने, गन्ने अंदर से लाकर बाहर रखते समय आपस में लड़ते थे। ये काम तेरा है, ये काम मेरा है, हेमंत उन्हें आपस में लड़ने मारपीट न करने के लिए कहता, पर बाज नहीं आते थे तो वह भी उनकी पिटाई कर देता था। बेचारे फटेहाल और कंकाल से हो रहे वे लड़के रो धोकर चुप हो जाते थे। इन मासूम बच्चों की यह उम्र तो पढ़ लिख कर जीवन सुधारने की है, पर यहाँ पर तो ये बाल शोषण का शिकार हो रहे हैं। दिव्या सोचती थी क्या करना चाहिए। उच्च शिक्षा प्राप्त दिव्या एक कॉलेज में पढ़ा रही है। वह विवाह नहीं करेगी क्योंकि घरेलू जिम्मेदारियों के कारण दीन दुखियों की सेवा सहायता करने के लिए समय नहीं मिल पाता। सेना के मोर्चे पर शहीद हुए पापा की पेंशन आ रही है, खेत की आमदनी भी है, इसलिए उसने प्रण किया है कि वह तो मदर टेरेसा की राह पर चलेगी। हर तरह से पीड़ितों की सेवा सहायता करना ही उसका उद्देश्य और दिली तमन्ना है। दयालु और दातार स्वभाव की दिव्या बहुत दबंग भी है। जहां भी कहीं कानून के खिलाफ कोई काम होता देखती है तो उसका विरोध निडर होकर करती है। पुलिस की मदद लेनी पड़े तो बेधड़क होकर थाने में पहुंच जाती है। एक दिन वह हेमंत की दुकान पर जल्दी जा पहुंची। हेमंत कहीं गया हुआ था। अच्छा मौका समझकर उसने उन मासूम बालकों से स्नेह भाव से कहा, बच्चों तुम आपस में मत लड़ा करो, क्या तुम हमेशा यूं ही लड़ते झगड़ते कभी किसी ढाबे या होटल या चाय की थड़ी या वर्कशॉप या किसी जूस वाले के यहाँ कुछ रुपयों के लिए नौकरी करते रहोगे? यहाँ पर तुम्हारी दुर्दशा देखकर मुझे बड़ा दुख होता है। प्यार के बोल सुने तो उन बालकों की आंखों से टप टप बहते आंसुओं से जमीन भीगने लगी। दिव्या की आंखों में भी आंसू तैरने लगे थे। तभी एक ऑटो आकर रुका, जिस पर टंगे हुए पोस्टर को वे बच्चे शब्दों को जोड़ जोड़ कर पढ़ने लगे। सारे बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें, कोई भी अनपढ़ न रहे, हर बच्चे को स्कूल जाना चाहिए। अरे वाह, तुम तो थोड़ा पढ़े हुए भी हो क्या? हाँ मैडम जी, मैं चारों ही गांव में तीसरी क्लास में एक ही स्कूल में पढ़ा करता, पर गरीबी के कारण मारा माँ बाप मारी पढ़ाई छुड़ार माने सेठ जी की दुकान पर मजूरिया राख गया केक राम में, तो घना दुखी हो रहा। भरपेट रोटी भी नहीं मिले, कहकर वह लड़का चुप हो गया। फिर दूसरा लड़का बोल पड़ा, काल मारो बापू मारी तीन खा लेवन आयो गांव सु, पण सेठ जी एक पीसो भी नहीं दियो। बापड़े ने डरा धमकार पाछो भेज। मालक को आते देख वह लड़का सहमता हुआ सा बात बीच में छोड़कर रस के झूठे गिलास धोने लगा था। उस दिन दिव्या ने तय कर लिया था कि इन लड़कों को मैं तो आज ही यहाँ से लेकर जाऊंगी। उसने हेमंत को दबंगता से कहा, नाबालिग बच्चों को नौकर रखना अपराध है, फिर भी तुमने कानून की परवाह नहीं की, सो मैं तो अभी 100 नंबर डायल कर पुलिस बुला रही हूँ।
यह धमकी सुनकर हेमंत के होश उड़ गए। बाप रे, पुलिस तो मारे और रोने भी न दे। सोचकर उसकी गर्दन तो अपराधी की तरह झुक गई। जेल में बंद होने की कल्पना से उसका तो कलेजा दहल गया। बोलती बंद हो गई थी। उसकी सिटपिटी हालत देख वहां खड़े ग्राहकों ने भी उसे डराया धमकाया। चारों बालकों को मुक्त कराकर अभी ले जाऊंगी अपने साथ। सोच ले, यदि पुलिस के हत्थे चढ़ गया तो सालों तक थाने और वकीलों से पिंड नहीं छूटेगा तुम्हारा। दिव्या की धमकियां सुनकर कमजोर कलेजे और डरपोक स्वभाव का हेमंत चारों बालकों को दिव्या के साथ भेजने के लिए मान गया। तभी तो उसने बालकों को तनख्वाह के 4,000 रुपए पर्स से निकालकर दिव्या की हथेली पर धर दिए थे। वह अपनी दबंगता और सफलता पर खुश थी। फिर उन बच्चों को अपनी कार में बैठाकर वहां से चल दी थी। बाजार से बच्चों की जरूरत का काफी सामान खरीदा और रीछ की तरह बढ़ रहे सिर के बालों की कटिंग भी कराई थी। कार को गैराज में खड़ी कर वह उन बच्चों को माँ के कमरे में लेकर गई और जूस वाले के शिकंजे से उन बालकों को छुड़ा कर लाने की बात बता दी। माँ, इन बालकों को हम पढ़ा लिखा कर सब तरह से लायक बना देंगे ताकि मैं भी गर्व से सिर ऊंचा कर चल सकूं। इनके माँ बाप भी इनको पढ़ते हुए खुशहाल देखकर निहाल हो जाएंगे। दिव्या की माँ ने उसके ऊंचे विचार और दातारी की भावना की तारीफ की थी। गर्व महसूस किया था इतनी दयालु बेटी की माँ होने का। स्वयं की मौज मस्ती पर रुपए उड़ाने से तो किसी का भी भला नहीं होता। असहायों की मदद करना ही इंसानियत है। रुपयों का सही उपयोग है बेटी। जूस पीने के लिए खड़े किसी ग्राहक ने पत्रकार को फोन कर दिया। तभी तो उस दिन शाम को पत्रकार दिव्या का फोटो लेने उनके बंगले पर आ पहुंचा था। माँ बेटे के आगे सजे संवरे चारों बालकों को हंसते मुस्कुराते हुओं का फोटो खींचने के बाद पूछा था, दिव्या जी, बाल शोषण का शिकार शिकार हो रहे इन बच्चों को मुक्त कराने की राय किसने दी थी? जहां चाह वहां राह आप ही मिल जाती है, दिव्या ने कहा था। दूसरे दिन अखबार में प्रथम पृष्ठ पर उन दोनों माँ बेटी की फोटो और चार बालकों को शोषण के शिकंजे से मुक्त कराने का समाचार छपा था। दिव्या के इस भले कार्य की एक साथ चार बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी लेने की बहुत प्रशंसा की गई थी। उस दिन तो रात को देर तक मोबाइल पर बधाई देने और मैसेज करने वालों का तांता ही लगा रहा था। कितने बड़े दुख और चिंता, शर्म की बात है कि कंगाल माँ बाप के बच्चों को पढ़ाने, उनका जीवन सुधारने की संपन्न लोग तनिक भी परवाह नहीं करते। प्रतिदिन देखते तो हैं कि होटल, ढाबे, वर्कशॉप, फैक्ट्री, चाय की थड़ी, जूस वाले आदि कई ऐसे ठिकाने हैं जहाँ नाबालिग बच्चों का शोषण होता है, पर खुशहाल लोग तो अपनी शान दिखाने, खान पान और ऐशो आराम में रहने के लिए पानी की तरह रुपया बहाते हैं। किंतु भूखे, बीमार और पैसे पैसे के मोहताज अपाहिज लोगों की बच्चों की मदद करना हेटी समझते हैं अपनी। उस दिन तो दिव्या को जिन लोगों ने बधाई दी थी, मैसेज किए थे और खुले दिल से तारीफ की थी, उन सभी को दिव्या ने बहुत खरी खोटी सुनाई थी। बाल शोषण के शिकार हो रहे नाबालिग बच्चों की ओर ध्यान न देने के लिए उन लोगों को बहुत ही धिक्कारा भी था। फिर वे अपनी घटिया सोच और अपनी हृदयहीनता पर इतने शर्मिंदा हुए थे कि बोलकर कुछ भी न कह सके थे। यह बात सच है कि हर तरह से पीड़ित शोषित लोगों के लिए जितना जरूरी दया भाव और दातार हृदय की जरूरत है, उतनी धन दौलत की नहीं है। दिव्या को तो दयालु और दातार हृदय के बलबूते पर शोहरत मिली थी। आज वह चारों बच्चों को खुशी खुशी स्कूल जाते देखकर खुद पर गर्व महसूस कर रही थी।